प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 खबरों का। आगरा यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे में बंद करने पर जुर्माना। ओटा ने कहा विश्वविद्यालय कर रहा नकल को लीगलाइज। चंबल नदी के जलस्तर ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। इटावा में बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में मुसीबत। नोएडा के फेज टू में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में आग। आग को ऊपर हिस्से कंटेन कर बुझाया गया, लाखों का माल जलकर राख। बिजली मीटर में स्टोर मिली रीडिंग, हो सकती है कार्रवाई। रायबरेली में ऊंचाहार डिवीजन का मामला, जिम्मेदारों से मांगी गई रिपोर्ट। फिरोजाबाद में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, 13 अपराधी जिला बदर, 8 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त। बांदा में संदिग्ध स्थानों पर पुलिस का पैदल मार्च। एसपी अभिनंदन के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च किया। झांसी में रिंग सेरेमनी से पहले युवक ने लगाई फांसी। मां के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने फंदे से उतारा, 2 दिन बाद दम तोड़ा। वाराणसी में डेंजर लेवल के करीब पहुंची गंगा। वरुणा उफनाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र देव सिंह ने बांटी राहत सामग्री। यूपी के अयोध्या में अब 9वीं कक्षा में होगा 100% दाखिला। दाखिला ना लेने वाले छात्रों को यूनिक आईडी नंबर की जाएगी पहचान। प्रयागराज में मसाला कारोबारी का मर्डर। दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहा था, सड़क पर लाश मिली, सिर से बह रहा था खून। मऊ में शिक्षक को कार से खींच कर पीटा। स्कूल से निकाले गए छात्र ने साथियों के साथ मिलकर किया हमला, गाड़ी में भी की तोड़फोड़। बस्ती सड़क हादसे में सीएम योगी के ओएसडी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। सीएम ने जताया दुख, गोरखपुर से आ रहे थे लखनऊ। फतेहपुर में बाढ़ के पानी से कोट मार्ग बंद। पुलिस की निगरानी में चल रही 3 नाव, सवारियों की संख्या किया गया निर्धारित। भदोही में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। तटवर्ती इलाके में सड़कों तक पहुंचने लगा पानी, बाढ़ राहत चौकियों को किया गया अलर्ट। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश, दूसरा साथी फरार। बाराबंकी कृषि कार्यालय में करोड़ों का घोटाला। डीडी ने पद पर रहते हुए योजनाओं में की बड़ी हेराफेरी, किसान नेता ने किया खुलासा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम, राहत नहीं चलेगा हेट स्पीच देने का मुकदमा। आगरा में पेट्रोल बचाने को कबाड़ से बनाई ई बाइक, साइकिल के हैंडल और लूना से लगाई बॉडी। रिश्तेदार ने मांग कर अपने नाम से करा दिया प्रमोशन। चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू। 15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन, डीएम ने लोगों को किया चिन्हित। विंध्याचल के मिर्जापुर में बेखौफ नशे के सौदागर, पुलिस की चौकसी में लग रहा सेंध। अभियान भी चलाए गए मौत के सौदागर।
फरुखाबाद में डॉक्टर दंपत्ति सहित 15 पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर दंपत्ति ने भी पत्रकार सहित 3 लोगों पर मारपीट और लूटपाट का केस दर्ज कराया। ग्रेटर नोएडा जेल में तैनात सिपाही लापता। जेल में डाक देने पहुंचा था कोर्ट, इसके बाद वापस नहीं लौटा। उन्नाव में ट्रेन से गिरकर पूर्व सभासद की मौत। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ हादसा। निधन से क्षेत्र में शोक का लहर। फरुखाबाद बसपा नेता की पुलिस ने की कार जब्त। गैंगस्टर के मुकदमे में बसपा नेता मैनपुरी जेल में है बंद। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने ट्रैक्टर से ढहाया मकान। पीड़ित ने कार्रवाई की लगाई गुहार। एसपी ने पुलिस कर्मियों को दिया लाइन हाजिर। जालौन के बाढ़ में मौत का लाइव वीडियो आया सामने। जालौन में ट्रक पलटा, 6 घंटे में धीरे धीरे डूबा खलासी। ग्रामीण बचा नहीं पाए। सहारनपुरन में पुलिस के सामने खूनी संघर्ष। राशन डिपो के चार्ज को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे और हथियार। पुलिस दिखी असहाय। गाजीपुर में युवक का मिला लहूलुहान शव। प्राइवेट स्कूल के पास पड़ा था, पीछे परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ललितपुर में राज्य मंत्री के पुत्र पुलिस कर्मियों में मारपीट। श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री है मनमोहन लाल पंत। गोंडा में आधा दर्जन युवकों ने की मारपीट। नशे में धुत थे युवक, पुलिस सामने खड़ी होकर बनी रही तमाशबीन। बिजनौर में बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से जेल भेजने के लिए हस्ताक्षर चलाया। कांग्रेस ने चलाया अभियान, भाजपा को बताया अलगाववादी। बुलंदशहर के कोतवाली जहांगीराबाद परिसर में प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को डाली जयमाला। प्रेमी ने शादी से किया था इनकार तो पहले कोतवाली पहुंची प्रेमिका। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध कार्बाइन किया बरामद। भूपेंद्र सिंह को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जश्न में डूबा बिजनौर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। देवरिया में दबंगों ने युवक से की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। गाजीपुर में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी जारी। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी। बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने फिरौती मांगने वाले 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में प्राइवेट स्कूल के पीछे मिला युवक का शव। धारदार हथियार से मारकर हत्या की आशंका। केस दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी। हरदोई में पुलिस गुर्गों का चालान कर थपा रही पीठ। पुलिस के छापेमारी के दौरान 4 सट्टेबाज गिरफ्तार। कानपुर में तेजी से फैल रहा है डायरिया। अस्पतालों में एक बेड पर हो रहा 2 मरीजों का इलाज। कुशीनगर के डाटा चीनी मिल का हुआ शुभारंभ। गन्ना उपाध्यक्ष ने फीता काट कर किया गन्ना कार्यक्रम का शुभारंभ।
लखनऊ में व्यवस्थाओं पर बिफरे एलडीए बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी अधिशासी अभियंता के खिलाफ उचित एक्शन के दिए निर्देश। मैनपुरी में संदिग्ध अवस्था में छत पर मिला अधेड़ का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी करने वाले शातिर चोर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने फुटेज किए जारी, चोर की करतूत कैमरे में कैद। मऊ के राहुल शुक्ला बने विश्व हिंदू महासंघ आजमगढ़ मंडल के सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मैनपुरी में युवक की पीट पीट कर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के थाना हाईवे की रोड की कॉलोनी के घर पर चल रहा सेक्स रैकेट, थाना हाईवे पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 7 को पकड़ा। मुरादाबाद में शादी की खुशी मातम में बदली आग में झुलसकर एक ही परिवार के 3 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर किया वार, कहा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मुकदमे में फंसाना चाहती है। संबल में राशन की दुकान के प्रस्ताव में धांधली, एसडीओ पंचायत व प्रधान पर फर्जी प्रस्ताव कराने का आरोप में ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बलिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर सारी तैयारियां पूरी। औरैया में एनडीआरएफ की टीम ने गर्भवती महिला को रेस्क्यू ऑपरेशन करके अस्पताल में कराया भर्ती, गांवों में तबाही मचा रही यमुना। संबल में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में सपा प्रतिनिधि मंडल ने मृतक छात्र के परिवार से की मुलाकात, पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। संबल में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म, पड़ोस के चाचा पर भतीजी के साथ दुष्कर्म का लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। अमेठी में गांव के बाहर युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर में 27 अगस्त को आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन बुलंदशहर योगी के दौरे की तैयारियों में जुटा। चंदौली में सरकारी स्कूल की कक्षा में सोते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में असफल दिख रहे कुछ शिक्षक। लखनऊ में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने कार को मारी टक्कर, ट्रक मोड़ते वक्त टक्कर लगने से कार हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त, चालक ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर में कलयुगी मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंका, मौके पर पहुंचे लोगों ने जख्मी नवजात को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने उपभोक्ताओं से की अपील, ऑनलाइन सुविधा से बिजली बिल को जमा करना बताया सुरक्षित। गोंडा में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने उजाड़ा दिव्यांग गरीब का आशियाना, परिजनों पर ही कहर बनकर टूटी प्रदेश की मित्र पुलिस।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थिति का लिया जायजा, मानकों के अनुसार पूर्ण कराने के दिए निर्देश। गोंडा में जिला अस्पताल में मानवता हुशर्मसार, इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर बेटे की गोद में पिता ने तोड़ा दम। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। प्रयागराज में कुएं में उतरे दो युवकों की दम घुटने से हुई मौत, युवकों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। कन्नौज में चकबंदी निरस्त को लेकर किसानों ने की बैठक, बैठक में चकबंदी अधिकारी रहे मौजूद। श्रावस्ती में दुष्कर्म व हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद, किशोरी से दुष्कर्म के बाद गला काट कर कर दी गई थी हत्या। संबल में मृतकों का राशन कार्ड बनवाकर हड़पा जा रहा राशन, एसडीओ ने दिए कार्रवाई के आदेश। सीएम ने मेरठ में की लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक, मंडल के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े, नगर निगम को भी 76 गाड़ियों की दी सौगात। चित्रकूट में सदर विधायक ने दिया धरना, नगर पालिका के गेट के पास बैठे विधायक, कहा जल निकासी की हो व्यवस्था नहीं होगा आंदोलन। औरैया में सीआईएसएफ की दौड़ में एक अभ्यर्थी की मौत, तीन अभ्यर्थियों की बिगड़ी हालत, दिव्यापुर में 5 किलोमीटर की हो रही थी दौड़। बाराबंकी में दो ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत, टक्कर से लगी भी सड़क, दोनों वाहन जल कर राख, हादसे में 4 लोग घायल। चित्रकूट अमावस्या मेले का डीएमएसपी ने किया निरीक्षण, ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी, संदिग्ध जगहों पर हो रही चेकिंग। मैनपुरी में संत के आश्रम में घुस आया मगरमच्छ, 4 घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। फिलहाल 75 जिले की 75 खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख